पटना स्टेशन पर करीब मैं निकलते विक्रमशिला एक्सप्रेस से जो दिल्ली से आनंद विहार से चलती है पटना के लिए, मैं निकला बाहर तो काफ़ी रात हो चली थी, 2:50 हो चुके थे। तो मैं सोचा कि थोड़ा टाइम काट लो स्टेशन पर ही, और ये नज़दीक में मुझे खूबसूरत सा चाय की दुकान कुल्हड़ चाय स्पेशल मिल गया। माहौल मोमेंट ज़बरदस्त बना हुआ है और चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, चूँकि हल्की ठंड है और ठीक ठाक ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल ठंड है। और यात्रियों की चहलकदमी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेशन पर, जहाँ तक भीड़ है जहाँ तक जिसको जो मौका मिला वहाँ सो गया। कुल्हड़ चाय स्पेशल, मैं अब यहाँ के पास जाऊँगा। और क्या है भाई, लॉन्च कैफे एग्जीक्यूटिव लिफ्ट सब कुछ, सब चीज़ का मुझे भरपूर इंतज़ाम है, एकदम चकाचक टनाटन है, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। और खैर बाहर जाना सही नहीं होगा, बहुत अंधेरा है, ज़्यादा हीरोगिरी नहीं। और मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ जो बैठने का जो प्रतीक्षालय है, वहाँ का सिचुएशन देखता हूँ किस तरह का होता है। और ये पीछे कलाकृतियाँ बनी हुई तरह तरह की, और एक घुट हो जाए ज़बरदस्त घुट। ओह क्या बात है, कभी भी आए कहीं भी आए थोड़ा सा उस पल को सिचुएशन को एंजॉय ज़रूर करें, बस ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आया और घर चल गया, दिल में कोई एंजॉयमेंट थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और ये पीछे कलाकृतियाँ बनी, ये राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का कलाकृति बना हुआ, ये बाइक पार्किंग और जल मीनार भी बगल में, और टिकट घर भी इधर से ही हैं। काफ़ी अच्छा इलाका और काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है। और ये कौन है भाई, कुछ नेता वाला लाइन लग रहा है, भाई साहब नेता साहब भाई साहब। और ये कुल्हड़ टी स्पेशल सूप, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, फ्रेंच फ्राई, बर्गर, स्वीट्स और भी तरह तरह की चीज़ें, काफ़ी कुछ है। ठहरने का भी इंतज़ाम, रहने का भी इंतज़ाम, हर तरह का इंतज़ाम। खैर मैं यहाँ भी ठहरने वाला नहीं।